इट वॉज अ लव एट फर्स्ट साइट। जब मैंने उसे पहली बार देखा था मैं तभी से उसका दीवाना हो गया। वो नायाब हीरे का टुकड़ा एक पेन था। अबे पेन भी कोई पसंद करने की चीज है? चुप, बिल्कुल चुप। आई लाइक व्हाट आई लाइक। उसे पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता था। वो उस दुकान में टंगा था और उसकी कीमत इतनी ज्यादा थी कि तेल के कुएं रखने वाले भी एक टाइम के लिए सोच में पड़ जाए। हबीबी ये पेन खरीदने में हमको कितना टाइम लगती? आई मीन इसकी कंपनी। अब आप उस समय की मेरी मजबूरी समझिए। वो मुझे बहुत पसंद आ गया था पर उसकी कीमत बहुत ज्यादा थी, तो मैंने वही किया जो सिचुएशन में कोई भी करता। सेविंग्स। मैंने अपनी महीनों की पॉकेट मनी बचाई और आखिरकार वो पेन खरीद लिया। मगर मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी जिसका दुख मुझे आज तक है। देखो मैं कोई साइकोपैथ नहीं था जो पेंस के पीछे पागल रहता हो। बस उस टाइम की मेरी फिलॉसफी ये थी कि पेन एक ऐसा टूल है जो सदियों से हिस्ट्री रिकॉर्ड कर रहा है और आज के समय में किसी की जान बचा भी सकता है और जान ले भी सकता है। इस टूल का इंसानों की लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल है। ये भगवान के द्वारा दिया गया एक वरदान है। तो उस टाइम मैं कुछ ऐसा सोचता था और पेंस की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट किया करता था। पर मैंने चोरी की। कब और कहाँ ये जानने के लिए आपको इस लड़के के बारे में जानना पड़ेगा। इस लड़के को पूरी क्लास में कोई लाइक नहीं करता था और उसके पीछे काफी रीजंस थे। पर मेरा ये मानना था कि सब लोग परफेक्ट नहीं होते। कुछ लोगों को ठीक से बात करना नहीं आता या सिचुएशंस में ठीक से रिएक्ट करना नहीं आता। और उस लड़के ने पास्ट में कुछ गलतियां की थी। टू बी प्रिसाइज उसने चोरी की थी और पकड़ा गया था। पर अब सब एकजुट होकर उसको ऐसे बॉयकॉट करेंगे उसके बिहेवियर और उसके पास्ट में की गई गलतियों की वजह से, मुझे ठीक नहीं लगा। तो मैं उसके साथ में रहने लग गया। वो कुछ अकेला सा हो गया था और वैसे भी आपस में दोस्तों के बीच दोस्त की जेब से कोई चीज निकालना बिना उसे पता लगे और बाद में उसे जादू खेल के वापस कर देना, वो भी एक तरह की चोरी की ट्रेनिंग में ही आता है। आई नो यू आर टेकिंग इट इन अ रॉन्ग वे बट चोरी इज अ स्किल। और ऐसे ही स्किल्स आपको सिखाता है हमारे आज के वीडियो का स्पॉन्सर स्किल हेयर। जस्ट किडिंग बट सीरियसली चोरी इज एन आर्ट। लेट मी एक्सप्लेन हाउ। मान लो आपको किडनैपर्स ने किडनैप कर लिया और बंद कर दिया। उसकी जेब में चाबी है, वो आपके पास आता है और उसे बिना पता लगे आप चाबी निकाल लेते हैं और उसके जाने के बाद आजाद होके उड़ जाते हैं। टेक्निकली आपने चाबी की चोरी की पर उसने भी तो इंसान की चोरी की है। तो ऐसे में आपके द्वारा की गई चोरी गलत थी। आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। चोरी अच्छे कारणों के लिए भी की जा सकती है। नाउ यू कैन कॉल मी प्रोफेसर। बैंक जाने की डेट मैं तुम्हें बताऊंगा। ऑब्वियसली मेरे ऊपर उसके आइडियाज का इन्फ्लुएंस हो रहा था। हम दोनों क्लास में भी साथ में बैठते थे। वो बहुत ज्यादा अनोइंग था पर एक टाइम के बाद मुझे उससे डील करना आ गया था और अब मेरे पास एक अनमोल हीरा था। ये नहीं, ये पेन। इसे मैं मोस्टली घर पे रखता था और कभी कभार स्पेशल फील करने के लिए इसे लिख भी लेता था। पर एक दिन मैंने सोचा कि इसका शो ऑफ किया जाए, इसे स्कूल ले जाया जाए। तो मैं उसे ले गया और वापस घर आया तो वो गायब था। यस, इट वॉज मिसिंग। मैंने उसे बहुत ढूंढा। जिस रास्ते पर मैं चला था उसका पत्थर पत्थर हिला के देख लिया पर वो नहीं मिला। अब ध्यान से सुनना। चोरी की ट्रेनिंग के लेसन वन का फर्स्ट लाइन था, चोरी दाएं हाथ से करो तो बाएं हाथ को ही पता नहीं चलना चाहिए। इस पेन गायब होने के इंसिडेंट के एक हफ्ते बाद वो मेरे साथ बैठने वाला लड़का स्कूल आया, उस नायाब पेन के साथ। यस, उसके साथ। मैंने उससे बोला, भाई पेन तेरे पास था तो बोला क्यों नहीं, मैं इतने दिन से ढूंढ रहा था। ओ भाई ये क्या बोल रहा है, ये तेरे वाला पेन नहीं है, आज ही लिया नया, देख इसकी रिसिप्ट। अच्छा, पेन की रिसिप्ट स्पेशली मुझे दिखाने के लिए लाया है, वो भी हाथ से लिखी हुई। अबे लिखा है यहाँ पे, और इसके बाहर का डिब्बा तो दिखा जरा। क्यों नहीं है, होगा भी कैसे, वो तो मेरे घर पे रखा हुआ है। डिब्बा फेंक दिया यार, वो कौन रखता है। हाँ हाँ सही बात है, इतने महंगे पेन का डिब्बा कौन रखता है। इसकी तो रिसीट संभालनी जरूरी है, वो भी हाथ से लिखी हुई है ना। और सुबह से लेकर इतना क्या लिखा जो इसकी इंक आधी हो गई। वो तुझे क्यों बताऊं, मेरा पेन मेरे पैसे। कौन कहता है दिल आशिकों का ही टूटता है, कभी गलत शख्स को दिल में जगह दे के तो देखो। वो क्रोध का लेवल उस समय मारपीट करवा सकता था पर जब लोग पूछते तो क्या कहते, एक पेन के लिए लड़ गए। उससे सच बाहर निकलवाना मुश्किल था। टीचर और शॉपकीपर को इन्वॉल्व किया जा सकता था पर सब यही सोचते, एक छोटे से पेन के लिए। उनकी बात भी सही थी, छोटा सा पेन ही तो था। मेरे पास एक सिंपल आसान सॉल्यूशन था। यू नो बुरी संगत बुरा बनने पे मजबूर कर देती है। मैंने वो पेन चुरा लिया। उसने मुझसे पूछा, पेन तूने लिया है क्या। देन आई सेड, मेरा पेन तूने लिया था क्या। ही सेड नथिंग एंड आई कंटिन्यूड द साइलेंस। अब मेरा पेन मेरे पास था और वो क्या उसके अलावा काफी सारे पेन्स की कलेक्शन जो कि मुझे कभी गिफ्ट में या प्राइस के तौर पे मिला था या फिर अच्छा लगने पे मैंने खुद खरीद लिया था। सबके सब पेन्स एक चमकते दमकते ज्योमेट्री बॉक्स में रखे थे अंटिल मेरे बड़े भाई ने बोला पेन दे, क्योंकि उनका एग्जाम था और पेन्स को संभालने के मामले में उनका रिकॉर्ड काफी ज्यादा अच्छा नहीं रहा था। वो दूसरे दिन पेन का ढक्कन गायब कर देते थे और हफ्ते बाद पूरा पेन।
पर मम्मी ने बोला ये बड़ा है, ये कभी मना नहीं करता तुझे कुछ भी देने से, पर जब तेरी देने की टर्न आती है तो तू ड्रामे मारने लगता है। बात तो सही है। लो भैया पूरा डब्बा, जो पेन अच्छा लगे उससे लिख लेना। वो एग्जाम देने चले गए और जब वापस आए तो मैंने उनसे पूछा पेन्स का डब्बा कहाँ है, एंड ही इज लाइक कौन सा डब्बा। काफी दुख भरा मंजर। वो कहीं बैठे थे और वो पूरा डब्बा वहीं भूल गए। हम दौड़ते दौड़ते उस जगह तक पहुंचे पर वहां पर कुछ नहीं था। मैं उन सभी पेन्स को खो चुका था। पर इस इंसिडेंट के बाद मैं सीख गया हमें मेटेरियलिस्टिक चीजों का मोह नहीं करना चाहिए। बाकी उस पेन ने सिखाया कि शो ऑफ नहीं करना चाहिए और संगति ठीक रखनी चाहिए। होप यू लाइक द स्टोरी। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। बाय बाय।